हेलो स्टूडेंट्स हाउ यू होप यू हैव अ वंडरफुल डे हे आई एम अगेन टू टेल यू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम योर इंग्लिश बुक क्लास एट्थ नेम ऑफ द लेसन इज एट स्कूल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन लेट्स टेक अ रिकैप गांधी जी ने अपने जीवन की बहुत सारी सीक्रेट शेयर किया हमारे साथ चलिए पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा उसे देख लेते हैं ही वॉज वेरी पंचुअल वो बहुत अनुशासन प्रिय थे मतलब समय के पाबंद थे एंड रीज अ स्कूल एट टाइम और समय पर स्कूल पहुंचते थे ही वॉज मेडियोकर स्टूडेंट वह एक अवसर दर्जे के छात्र थे बट ऑलवेज डन हिज होमवर्क इन टाइम अवसर दर्जे का छात्र होने के बावजूद भी वो अपना होमवर्क समय पर करते थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि अपने टीचर को समय पर काम करके ना दिखाना उन्हें पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक नहीं था वो केवल अपने स्कूल के बुक्स ही पढ़ते थे उसके अलावा दूसरी पुस्तकों को पढ़ने का उनका शौक बिल्कुल नहीं था उनके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली नाटक थी श्रवण पितृभक्ति नाटका इस कहानी ने इस नाटक ने उनको बहुत ही गहराई से छुआ था इस नाटक में श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उसके दुख को देखकर क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनके माता पिता बहुत गहन दुख में चले गए थे और इस दुख को इस पीड़ा को गांधी जी भी महसूस कर पा रहे थे इस दुख को गांधी जी भुला नहीं पा रहे थे अपने जीवन से गांधी जी ने इस दुख को भुलाने के लिए उन्होंने कंसेंटीना यंत्र का इस्तेमाल किया और वो अक्सर उसमें अपने दर्द को गाने के जरिए धुन के जरिए पिघलाते थे तो बच्चों आगे देखते हैं पार्ट टू में गांधी जी हमें और अपने कौन से सीक्रेट्स बताते हैं देर वॉज सिमिलर इंसिडेंट connected with another play just about this time i had secured my father permission to see a play performed by a certain dramatic company this play harishchandra captured my heart i could never be tired of seeing it incident means ghatna tired of means Gaye there was similar incident इसी की तरह सिमिलर इंसिडेंट समान रूप से इंसिडेंट इंसिडेंट मतलब घटना इसी प्रकार से समान रूप से घटना कनेक्टेड जुड़ी हुई थी विथ अनदर प्ले एक और नाटक से एक और प्ले से जस्ट अबाउट दिस टाइम इसी ही समय आई हैड सिक्योर्ड माय फादर परमिशन मैंने अपने पिता से परमिशन परमिशन मतलब आज्ञा परमिशन सिक्योर्ड कर लिया था सिक्योर्ड मतलब आज्ञा ले ली थी टू सी अ प्ले किस लिए आज्ञा ले ली थी उस प्ले को देखने के लिए उस नाटक को देखने के लिए परफॉर्म बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी परफॉर्म मतलब प्रस्तुत करना उस नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा था सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी के द्वारा सर्टेन मतलब निश्चित ड्रामेटिक कंपनी मीन्स ड्रामा दिखाने वाली कंपनी के द्वारा दिस प्ले हरिश्चंद्र ये प्ले कौन सा था हरिश्चंद्र का था कैप्चर्ड माई हार्ट मेरे दिल को उसने चुरा लिया था मतलब वो नाटक उनको बहुत पसंद आया था आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट और गांधी जी बताते हैं आई कुड नेवर बी टायर्ड गांधी जी कभी भी बोर नहीं होते थे इस कहानी को इस नाटक को देख कर बट हाओ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरी टाइम वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र was द क्वेश्चन आई asked myself day एंड नाइट परमिटेड means अनुमति है बट how often शुड आई बी परमिटेड टू गो बट हाउ ऑफेंड पर कितनी बार शुड आई बी परमिटेड मुझे परमिशन दिया जाता मुझे आज्ञा दी जाती टू गो उस नाटक को देखने के लिए इट हॉन्टेड मी इस नाटक ने उनके दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया था एंड आई मस्ट है और मैंने कई बार नाटक किया हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र का नाटक किया टू माई सेल्फ स्वयं सेवरल टाइम कई बार गांधी जी बताते उन्होंने कई बार इस नाटक को खुद से किया वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल क्यों सब लोग सच्चे नहीं होते लाइक like हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र की तरह वॉज द क्वेश्चन आई आज माई सेल्फ यही प्रश्न मैं पूछता अपने आप से माई सेल्फ अपने आप से स्वयं से डे एंड नाइट दिन और रात टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डिल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल विच इंस्पायर्ड इन मी आई लिटररी बिलीव इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफ एन मेड मी वीप लिटररी मीन्स सचमुच ऑडियंस मीन्स कठिन अनुभव टू फॉलो ट्रुथ सच्चाई का पीछा करना एंड टू गो थ्रू और इसमें जाना ऑल द ऑर्डिल्स और इसी प्रकार के कठिन अनुभवों के साथ हरिश्चंद्र वेंट थ्रू जिसमें हरिश्चंद्र जाते थे वॉज द वन आइडियल यही एक आदर्श था विच इंस्पायर्ड इन मी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था आई लिटरली बिलीव मुझे सच में विश्वास था इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र लिट्ररी मीन्स सचमुच मुझे सच में विश्वास था किस में विश्वास था इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र की कहानी में उनकी हर एक उसमें उनकी सच्चाई छिपी थी ऐसा गांधी जी का मानना है द थाट ऑफ इट इसके विचार से ऑल टू ऑफेन मेड मी विप इसके विचार से ही मुझ अक्सर मुझे ऑफन मीन्स अक्सर अक्सर मुझे रुला देता था मतलब इसका विचार अक्सर मुझे रुला देता था My common sense tell me today Harishchandra could not have been a historical character. But for me, both Harishchandra and Shravana are living realities, and I am sure I should be touched as before if I were to read again those plays today. Realities means Vastiviktai, historical means Atihasik. My common sense. मेरा सामान्य बुद्धि टेल्स मी मुझे कहता था टुडे हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर आज हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर हिस्टोरिकल कैरेक्टर मीन्स ऐतिहासिक किरदार उनका कहना है कि आज हरिश्चंद्र केवल एक एति, ऐतिहासिक किरदार नहीं हो सकता था बट फॉर मी पर मेरे लिए गांधी जी कहते हैं पर मेरे लिए बोध हरिश्चंद्र एंड श्रवणा आर लिविंग रियालिटीज़ मेरे लिए हरीश्चंद्र और श्रवण कुमार जो थे श्रवणा थे दोनों ही एक जीती जाती सच्चाई थे एंड आई एम श्योर और मुझे पूरा विश्वास है आई शुड बी टच्ड कि मैं जरूर टच्ड होऊंगा, टच मतलब छू जाएगा मुझे ये जरूर से छू जाएगा क्या चीज़ छू जाएगा एज बिफोर पहले ही की तरह छू जाएगा इफ़ आई वर टू रीड अगेन दोस प्लेस टूडे अगर मैं उन कहानियों को उन प्लेस को उन नाटक को अगेन दोबारा मैं पढ़ूँ दोबारा अगर रीड करूँ तो वो कहानी मुझे जरूर छू जाएगी देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम वेन आई वॉज इन सेवन्थ स्टैंडर्ड दुराब जी ईदुलजी जीमी वॉज द हेड मास्टर देन ही वॉज पॉप्युलर एमोंग द बॉयज दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियरियन ही वॉज अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर डिसिप्लिनरियन मीन्स अनुशासक देयर वॉज अनादर सच इंसिडेंट एक और ऐसी ही घटना थी ड्यूरिंग द टाइम इसी समय की वेन आई वॉज इन दब मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता था दुरावजी ईदुल जी जीमी वॉज द हेड मास्टर देन उस समय दुरावजी ईदुल जी जीमी हेड मास्टर थे ही वॉज पॉपुलर हेड मास्टर मतलब तो आप जानते ही होंगे प्रधानाचार्य ही वॉज पॉपुलर एमोंग द बॉयज वो बहुत पॉपुलर थे पॉपुलर मतलब प्रचलित थे एमोंग द बॉयज बॉयज में लड़कों में वो काफ़ी प्रचलित थे दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन हालांकि वो एक अनुशासक थे अनुशासन प्रिय थे ही वॉज अ मैन ऑफ मैथड वो एक सिद्धांतवादी थे एंड अ गुड टीचर और एक अच्छे शिक्षक भी थे ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड

फॉर द बॉयज़ किन के लिए उन लड़कों के लिए किन लड़कों के लिए ऑफ द अपर स्टैंडर्ड उच्च वर्ग के लड़कों के लिए जो बड़े क्लासेस के लड़के थे उनके लिए जिमनास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया था आई डिसलाइक बोर्ड मुझे दोनों ही पसंद नहीं था I नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज मैं किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करता था मतलब हिस्सा नहीं लेता था टुक पार्ट मीन्स हिस्सा लेना मैं किसी भी एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेता था क्रिकेट और फुटबॉल नहीं क्रिकेट में और फुटबॉल में भी नहीं बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी जब तक उनको कंपल्सरी नहीं कर दिया गया था कंपल्सरी मतलब अनिवार्य नहीं कर दिया गया था गांधी जी बताते हैं जब तक क्रिकेट एक्सरसाइज फुटबॉल इस तरह के, के जो खेल और शारीरिक एक्सरसाइज थे इनको जब तक अनिवार्य नहीं कर दिया गया था मुझे इनमें बिल्कुल रुचि नहीं थी और मैं इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता था माय शाइनेस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अलूफनेस विच आई नाउ सी वाज रॉंग आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिमनास्टिंग हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन टूडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच एज प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग शाइनेस मीन्स शर्माना अलूफनेस मीन्स धुराव या अलगाव माई शाइनेस गांधी जी बताते हैं मेरा शर्माना या मेरा शर्मिला स्वभाव वॉज वन ऑफ द रीजन एक कारण था मेरा शर्माना मात्र एक कारण था फॉर दिस अलूफनेस इस अकेलेपन का मतलब गांधी जी अगर अकेले थे तो उसका एक कारण था उनका शर्मिला स्वभाव विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग गांधी जी बताते हैं जिसको मैं अब देख पाता हूँ कि वो गलत था आई देन हैड द फॉल्स मोशन उस समय मेरे अंदर गलत धारणा थी दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन कि जो जिम्नास्टिक हैं जो शारीरिक व्यायाम है उसका एडुकेशन एडुकेशन मतलब शिक्षा में कोई भी कार्य नहीं है कोई भी महत्व नहीं है नथिंग टू डू उसका कोई लेना देना नहीं है टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग आज मैं जानता हूँ कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है मीन्स शारीरिक प्रशिक्षण है शुड हैव मच प्लेस उसकी बहुत जगह होना चाहिए इन द करिकुलम करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में एज मेंटल ट्रेनिंग जितना कि हमारा मानसिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है बट दो आई वॉज नन द वर्स फॉर हैविंग नेगलेक्ट एक्सरसाइज I am still paying the penalty of another neglect. I do not know from where I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. But I retained it until I went to England. Neglected means Nazarandas kiya hua. Notion means vichar. But though I was none the worse for having neglected exercise, like in Halaki, baat kadapi mere liye nahi कि मैं व्यायाम की अवहेलना करता था एक्सरसाइज की अवहेलना करता था आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट मैं अभी भी एक और उपेक्षा का भुगतान कर रहा हूँ आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द नोशन मुझे नहीं पता कि ये जो विचार ये गलत विचार है ये मेरे अंदर कैसे आई थी दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एडुकेशन कि जो गुड हैंडराइटिंग है अच्छा लेखन है ये नेसेसरी पार्ट है मतलब ज़रूरी हिस्सा है एडुकेशन का एडुकेशन मतलब शिक्षा का पता नहीं ये गलत धारणा मेरे अंदर कहाँ से आ गई थी कि मैं सोचता था कि गुड हैंडराइटिंग मतलब अच्छा लेखन एजुकेशन का नेसेसरी पार्ट नहीं है नेसेसरी पार्ट मीन्स अभिन्न हिस्सा नहीं है बट आई रिटेनड इट मैंने ये धारणा बनाए रखी थी अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया था आई देन सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एडुकेशन इम्परफेक्ट मीन्स त्रुटिपूर्ण आई देन सॉ तब मैंने देखा जब मैं इंग्लैंड गया तब मैंने देखा दैट बैड हैंड राइटिंग कि बुरा लेखन खराब लेखन शुड बी रिगार्डेड माना जाना चाहिए एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन एक चिन्ह माना जाना चाहिए एक संकेत माना जाना चाहिए एन इम्परफेक्ट एजुकेशन अपूर्ण शिक्षा का संकेत मतलब बैड हैंडराइटिंग या खराब लेखन अपूर्ण शिक्षा का संकेत माना जाना चाहिए लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड प्रत्येक नवयुवक और युवतियों को समझने दो जानने दो दैट गुड हैंड राइटिंग इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एडुकेशन कि अच्छा लेखन गुड हैंड राइटिंग मीन्स अच्छा लेखन एडुकेशन मीन्स शिक्षा अच्छा लेखन शिक्षा का एक अभिन्न भाग है एक महत्वपूर्ण भाग है तो बच्चों गांधी जी ने हमें ये समझा दिया कि अच्छा लेखन हमारे पढ़ाई के लिए हमारी शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और अच्छे लेखन के द्वारा ही पता चलता है कि हमने पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है तो चलिए बच्चों अब इसके एसेसमेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं नेम द हेडमास्टर हु वॉज पॉपुलर एमोंग द बॉयज। ऑप्शन ए कांताजी दास ऑप्शन बी धुराबजी इदुलजी जी जीवी ऑप्शन थ्री मुकुंद चंद मुखर्जी सही ऑप्शन क्या बच्चों जी हाँ ऑप्शन बी दुराब जी जी जीमी वॉट वॉज द रीजन फॉर गांधीजी इज अलूफनेस ऑप्शन ए बोल्डनेस ऑप्शन बी शायनेस ऑप्शन सी मैडनेस जी हाँ बच्चों ऑप्शन डी शायनस वॉट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एडुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऑप्शन ए गुड वर्क ऑप्शन बी हार्ड वर्क ऑप्शन सी गुड हैंडराइटिंग यस yes, हमने पढ़ा भी लेसन में नेसेसरी पार्ट ऑफ एडुकेशन है गुड हैंडराइटिंग लेट्स सी दुकेबलरी पार्ट ऑफ दिस लेसन बच्चों तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा था उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगने वाला जिसके वजह से उसका अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय मतलब क्या होता है जो शब्द के पीछे लगने वाला जिससे उसका मीनिंग बदल जाता है तो आइए कुछ शब्द देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं सर्टेन अंडरस्टैंड और कंटिन्यू और हमारे पास ऑप्शन में उपसर दिए गए हैं मिस और डिस तो चलिए इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं इसे हम देख लेते हैं माई मॉम अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम वेरी वेल मेरी माँ मेरी प्रॉब्लम्स को मेरी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझती है बट सम पीपल मिसअंडरस्टैंड में पर कुछ लोग मुझे नहीं समझते अंडरस्टैंड मतलब समझना मिसअंडरस्टैंड मतलब नहीं समझना आई हैव टू डिसकंटिन्यू माई स्टडीज़ ड्यू टू पुअर हेल्थ नाव आई एम फिट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ आई हैटीन्यू माई स्टडीज ड्यू टू पुअर हेल्थ पुअर हेल्थ के कारण मतलब खराब स्वास्थ्य के कारण मैंने अपना स्टडीज को डिसकंटिन्यू कर दिया था डिसकंटिन्यू मीन्स मैंने अपने स्टडी को रोक दिया था नाव आई एम फिट टू कंटिन्यू माई स्टडीज पर अब मैं फ़िट हूँ मतलब स्वस्थ हूँ अपने स्टडी को जारी रखने के लिए लेट्स सी सम ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस लेसन हमने कुछ फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ टू के सेंटेंसेस पढ़ा यूज़ टू को हम कब यूज़ करते हैं बच्चों जब हमें अपने पास्ट हैबिट को बताते हैं जैसे मैं पहले एप्पल्स खाया करती थी मैं साइकिल चलाया करती थी आइसक्रीम खाया करती थी वगैरह वगैरह जो भी अपने पास्ट हैबिट को आपको बताना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू चलिए कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं मोहन यूज़ टू वर्कआउट एवरी मॉर्निंग मोहन हर सुबह वर्कआउट किया करता था माई फादर यूज टू टेक अ कार टू स्कूल मेरे पिता स्कूल में कार ले जाया करते थे वेन वी लिव्ड इन डेली जब हम डेली में रहते थे वी वर यूज टू हॉट वेदर हम लोग हॉट वेदर मतलब गर्म मौसम के आदि थे चलिए बच्चों अब कुछ असेसमेंट होमवर्क की बारी आती है होमवर्क असेसमेंट में आपका क्वेश्चन है वाई इज स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन राइट इन टेन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आपको स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों महत्वपूर्ण है इसे दस लाइनों में लिख के बताना है इसे आप अपने टीचर को या फिर अपने पेरेंट्स को लिखा सकते हैं थैंक यू